नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की मुख्य खबरों में पंचायतों का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ाए जाने की मांग को लेकर जिले के पंचायत प्रतिनिधियों ने विकासखंड मुख्यालयों में प्रदर्शन कर अपनी मांग का ज्ञापन देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को प्रेषित किया। ग्राम प्रधान संगठन के अध्यक्ष श्याम सुंदर सिंह सोन के नेतृत्व में पिथौरागढ़ के मोनाकोट में पंचायत प्रतिनिधियों ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक देश एक चुनाव की बात कही है, जिसकी शुरुआत यहां उत्तराखंड से की जानी चाहिए। उत्तराखंड में 12 जनपदों के चुनाव एक साथ कराए जाते हैं, जबकि हरिद्वार जनपद का चुनाव अलग से कराया जाता है। कहा कि पंचायतों के इस कार्यकाल में 2 वर्ष कोरोना काल रहा है, जिससे पंचायतों का कार्य पूरी तरह से प्रभावित रहा। प्रदर्शन करने वालों में पंचायत प्रतिनिधियों में रोशन वल्दिया, हेमा बिष्ट, बच्चीराम, राधिका देवी, संगीता देवी, बिमला देवी, मनीषा बिष्ट, गोकुल चंद, निशा खड़ायत, अनिता भट्ट, कुंडल महर सहित अन्य प्रतिनिधि शामिल थे। मुंशियारी में जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोरिया की अगुवाई में पंचायत प्रतिनिधियों ने कार्यकाल बढ़ाए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। पंचायत प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन खंड विकास अधिकारी को सौंपा। ज्ञापन सौंपने वालों में ब्लॉक प्रमुख भावना देवी, ईश्वर सिंह कोरंगा, गंगा सिंह पिपलिया, जगदीश मेहता सहित दर्जनों प्रतिनिधि मौजूद थे। त्रिस्तरीय पंचायत संगठन के प्रदेश कार्यक्रम संयोजक जगत मर्तोलिया ने मांगे पूरी न होने की दशा में आगामी 1 जुलाई से प्रदेश के 12 जिलों में धरना प्रदर्शन करने की बात कही है। जिले के अन्य विकास खंडों में भी पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदर्शन किया गया। नीट व नेट की परीक्षा में धांधली के विरोध में आज पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट में गुस्साए कांग्रेसियों ने ब्लॉक अध्यक्ष बीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में केंद्र सरकार का पुतला दहकर आक्रोश व्यक्त किया। इससे पूर्व हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में कराई गई परीक्षाओं में धांधली के मामले सामने आए हैं, जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। देश की प्रतिष्ठित परीक्षाओं नीट और नेट में धांधली होने से युवा निराश और हताश हैं। प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन प्रेषित किया। उन्होंने निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग भी की है। उत्तराधन करने वालों में नारायण सिंह बोरा, मोहन सिंह बोरा, मनोज कुमार टमटा, संजय बोरा, बबलू जोशी, मनोज मेहरा, किशोर कुमार, विक्की गंगोला, मनीष बिष्ट, घनश्याम शाह, हयात सिंह बोरा, ललित सिंह सहित दर्जनों कांग्रेसी शामिल थे। 18,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने वाले पहले काबीना मंत्री सतपाल महाराज ने ओल्ड लिपुलेख पहुंचकर तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत के दर्शन कर कहा कि कैलाश दर्शन के लिए चीन जाने की अब जरूरत नहीं है, अब भारत से ही दर्शन किए जा सकते हैं। इस दौरान उन्होंने अपनी धर्मपत्नी पूर्व काबीना मंत्री अमृता रावत के साथ महादेव की पूजा अर्चना की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ओम पर्वत और आदि कैलाश दर्शन के बाद शिवभूमि में खासी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक पहुंच रहे हैं। कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने श्रद्धालुओं को ओल्ड रिपू से चीन में स्थित कैलाश के दर्शन कराने का निर्णय लिया था। इसके लिए कई सुविधाएं तैयार कर ली गई हैं और नई सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। इस दौरान उनके साथ भारतीय सेना, ITBP और पुलिस जवान भी मौजूद थे। धारचूला पहुंचने के बाद उन्होंने छारछुम में भारत नेपाल के बीच निर्माणाधीन मोटर पुल का निरीक्षण कर अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। भारतीय धर्म समाज शाखा के प्रदेश संयोजक सतीश पारछा ने अमित भारती को पिथौरागढ़ शाखा के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिलने के बाद यहां बैठक आयोजन कर विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में अमित भारती ने प्रदेश के विभिन्न विभागों में पर्यावरण मित्रों के रिक्त पदों, मोहल्ला स्वच्छता समितियों के माध्यम से तैनात पर्यावरण मित्रों के मानदेय वृद्धि, राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभ सहित अन्य विषयों पर चर्चा की। इस दौरान निर्णय लिया गया कि समस्याओं को लेकर शासन प्रशासन के समक्ष समस्या रखकर समाधान की मांग की जाएगी। यदि आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया है तो उच्च व्यावसायिक शिक्षा में प्रवेश के लिए मानस कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट पिथौरागढ़ में आपका स्वागत है, जहां उत्कृष्ट शिक्षण एवं व्यक्तित्व विकास के साथ ही आप 3 वर्षीय डिग्री कोर्सेज सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा की मान्यता के साथ प्राप्त कर सकते हैं। प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। खेलते खेलते एक 5 वर्षीय मासूम की पानी की टंकी में डूबने से मौत हो गई। बच्चे की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। मिली जानकारी के अनुसार पड़ोसी देश नेपाल के बैतडी जिले के पुरचुंडी नगर पालिका 10 मेहरा गांव में 5 वर्षीय मुकेश मेहरा की खेतों की सिंचाई के लिए बनाई गई टंकी में डूबने से मौत हो गई। बच्चा घर के निकट सिंचाई के लिए बनाई गई टंकी में खेलते खेलते पहुंच गया और डूब गया। जिला प्रहरी कार्यालय बैतड़ी के प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक बलराम पांडे ने बताया कि बालक के डूबने के बाद जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर ही
बैतड़ी जिले के सेरा से लगे खुटिया में काली नदी में एक 22 वर्षीय युवती का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मिली जानकारी के अनुसार काली नदी में दारचूला लेकम गांव पालिका 4 की दमसेना गांव की 22 वर्षीय युवती हेमंती गिरी का शव उतराता मिला। जिला प्रहरी कार्यालय के प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक बलराम पांडे ने बताया कि युवती हेमंत गिरी 22 जून से लापता थी। परिजनों के काफी ढूंढ खोज के बाद भी युवती का कहीं पता नहीं चल पाया। प्रहरी निरीक्षक ने बताया कि युवती काली नदी में कैसे गिरी इसकी तहकीकात की जा रही है। प्रदेश भर की मुख्य खबरों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करने की कृपा करें। धन्यवाद।